दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मेल पीरियड्स या फिर मेल मेंसेस। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंट को क्या क्या हो सकता है, मेल को क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आपने जनरली सुना होगा कि भाई महिलाओं में ही पीरियड्स होते हैं, लेकिन मेल के अंदर भी पीरियड्स होते हैं बट वो ब्लीडिंग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, इस वीडियो में जानिए। जी, लिंकन द्वारा एक रिसर्च में बताया गया कि भाई लोगों को, जो मेल हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, इरिटेबल मेल सिंड्रोम। ठीक है, IMS, इसको IMS बोल सकते हैं, इरिटेबल मेल सिंड्रोम। तो ये ऐसा क्यों होता है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, अगर ये अप डाउन होता है तो उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सिम्टम कितनी देर रहेंगे, एक दिन से लेके दो दिन तक उसको पेशेंट को सिम्टम रह सकते हैं, दो से तीन दिन भी हो सकते हैं बट वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसमें सिम्टम क्या आते हैं पेशेंट को, सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं वो मूड स्विंग वाले सिम्टम आते हैं। कैसे मूड स्विंग होगा कि पेशेंट को कभी अच्छा लग रहा है, कभी उसको बुरा लग रहा है, कभी लोगों के साथ रहना उसको पसंद है, कभी अकेले रहना पसंद हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है उसको, कभी वो खुश है। तो ये सारी कंडीशन होती है मूड स्विंग की। तो आपके आसपास आप देखिए, कुछ मेल ऐसे होंगे जिनको बिना किसी कारण, उनके सराउंडिंग में कोई कारण नहीं है, किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई टेंशन भी माइंड में नहीं आई है, बट उनको पता नहीं लगता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि मेरा मूड क्यों खराब रह रहा है। तो ये जो इंटरनल हार्मोन्स की गतिविधियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें इसी तरीके से करती हैं। तो पेशेंट को कई बार पता नहीं लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसका मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है, एक अजीब सी उसको एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनसे पूछते हैं कि किस बात का डर है, किस बात का डर है, उनको पता ही नहीं होता है कि किस बात का डर है, कुछ दिन बाद जो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ये सारी जो है हार्मोन्स की कहानी होती हैं। तो मूड स्विंग होना, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर एंजाइटी होना, पेशेंट डिप्रेशन में होना, लॉस ऑफ लिबिडो होना कि सेक्स की इच्छा ना होना, और इसके अलावा पेशेंट की भूख ख़त्म हो जाना, भूख ना लगना, और जैसे महिलाएं पीरियड्स में चिड़चिड़ी हो जाती हैं मोस्टली केस में हम देखते हैं, और उनका मूड स्विंग हो जाता है। तो इसी तरीके से मेल के अंदर भी समस्याएं होती हैं, जब टेस्टोस्टेरोन अप डाउन होता है, भूख उनको नहीं लगती है, क्रैम्पिंग पेन उनको होने शुरू हो जाते हैं, मरोड़ वाले दर्द उनको होते हैं। उनको मरोड़ वाले दर्द उनके पेट में भी हो सकते हैं, उनके लेग्स में भी हो सकते हैं, उनके काफ मसल्स जो पिंडलियां हैं उनमें भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करेगा, जबकि उसने खाया पिया अच्छा है, सोया अच्छा है, बट उसके मूड को पता नहीं क्या हुआ और जो है उसको डलनेस बहुत ज़्यादा हो गई। तो एक्सटर्नली देखेंगे तो भाई एक्सटर्नली तो उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, किसी ने कुछ नहीं बोला है, बट वो पेशेंट अंदर से परेशान है, तो चक्कर भी उसको आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ गिने चुने सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट को देखने को मिलते हैं। टेस्टोस्टेरोन अप डाउन होने की वजह से ऐसा होता है, और टेस्टोस्टेरोन अप डाउन क्यों होता है ये अभी तक ऐसे स्पेसिफिक कारण इसके लिए नहीं है। और इसमें पेशेंट को बस कुछ नहीं करना, थोड़ा अपना एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान देना है। अगर किसी पेशेंट को महीने में कई बार ये प्रॉब्लम हो रही है, कई कई बार हो रही है बिना किसी कारण के, पेशेंट का मूड ऑफ है और ये सारी समस्याएं हो रही हैं, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको समझना चाहिए कि भाई उसको IMS इरिटेबल मेल सिंड्रोम हो रहा है, मेल पीरियड्स उसको हो रहे हैं, बस ब्लीडिंग ही नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और जो साथ में सिम्टम्स आते हैं वो सारी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। तो ऐसे पेशेंटों को एडिक्शन छोड़ देना चाहिए और एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, जिससे कि उनके हार्मोन्स बॉडी के ठीक रहे, टेस्टोस्टेरोन ठीक रहेगा तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।